gorgeous people, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I'm here with a new video. So I'm going to review on Garnier micellar water. You can see. And guys, firstly मैं आपको sorry बोलना चाहती हूँ because due to some health issues मैं पहले videos नहीं बना पाई, तो अब मैं आगे continue करूँगी. तो आज मैं गार्नियर माइसेलर वाटर पे रिव्यू करूँगी और इसका लाइव डेमो दिखाऊंगी, जिससे कि आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कितने अच्छे से वर्क करता है. सबसे पहले बात करते हैं इसकी परचेजिंग की. मैंने इसे nykaa.com से परचेज़ किया था. nykaa.com पे ये अवेलेबल होता है, वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हो. अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की. ये क्लियर ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग के साथ आता है, जिसका पिंक कलर का कैप है. एंड जैसे मैं इसको ओपन करती हूँ एंड क्लोज करती हूँ, जैसे एक टिकटॉक का साउंड प्रोड्यूस होता है, इससे ये पता चल रहा है कि अच्छे से बंद हो गया है. जैसे मैं इसे प्रेस कर रही हूँ बट इसमें कोई भी लीकेज नहीं है. यस. और अब बात करते हैं साइज़ की. इसमें दो साइज़ आते हैं. स्मॉलर वन इज़ 125 ml, उसकी क्वांटिटी है, और जो बिगर वन है उसकी क्वांटिटी है 400 ml. एंड द स्मॉलर वन रिटेल्स फॉर 175 rupees, बट ये मुझे ऑफ पे मिला था. ये आई थिंक मेरे को 145 rupees में मिल गया था, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो. इस पर कोई ना कोई डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. और जो बिगर वन है दैट रिटेल्स फॉर 349 rupees. तो अब बात करते हैं कौन से स्किन टाइप के लिए सूटेबल है. वैसे तो ये सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, बट इस पर स्पेशली मेंशन है इट इज़ इवन फॉर सेंसिटिव स्किन ऑल्सो. अब ऐसा होता है कि जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं, जब भी वो कोई न्यू प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उससे पहले उनको बहुत बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है. बट इसके साथ ऐसा कोई भी केस नहीं है. आप इसे इजीली बहुत टेंशन फ्री होकर यूज़ कर सकते हो. इस पर स्पेशली मेंशन है. अब बात करते हैं क्लींजिंग की. तो ये फेस, आईज और लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हो आप. इसकी सबसे अच्छी बात है नो अल्कोहल, नो एडेड फ्रेग्रेंस, और ये मेकअप को रिमूव करता है, आपकी स्किन को क्लींस करता है, सूदिस योर स्किन, और नो रिंस ऑफ. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं बाहर हो, इनकेस आपको मेकअप क्लीन करना है, आप जब मेकअप क्लीन कर रहे हो अपना, तो उसके बाद आपको फेस वॉश करने की भी नीड नहीं है. वैसे तो आप कर सकते हो, बट इनकेस आप बाहर हो, नहीं है वहाँ पर फेस वॉश कर सकते, तो इट्स ओके, इसके साथ आपका अच्छे से फेस क्लीन हो जाएगा. और इसकी एक और अच्छी बात है, इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. इसका मतलब ये हुआ कि स्किन डॉक्टर्स द्वारा ये टेस्टेड है, तो इससे तो साफ ही पता चल रहा है कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई भी ऐसा हार्श केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन को हार्मफुल इफेक्ट करेगा आपकी स्किन पे. तो ये अब बात करते हैं इसके लाइव डेमो की. तो मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाऊंगी अभी कि कितना हमें कितनी क्वांटिटी इसकी चाहिए और कैसे ये मेकअप को रिमूव करता है. तो सबसे पहले मैं कॉटन पैड ले रही हूँ. ये एक ड्राई कॉटन पैड है. सबसे पहले मैं अपना आईज मेकअप रिमूव करूँगी. मेरी आईज पर मैंने आईलाइनर एंड काजल अप्लाई कर रखा है. तो ये मेरे को बिल्कुल थोड़ी सी ही क्वांटिटी में चाहिए होता है, बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं इस पर लूँगी, 2 to 3 drops. अब मैंने इस पर ले लिया है ये. अब मैं इसे अपनी आईज पर रखूँगी और 20 to 30 seconds ही मुझे अपनी आईज पर रखना है और सर्कुलर मोशन में इसे रब करना है. एंड उसके बाद यू कैन सी इसने मेरा आई लाइनर अच्छे से हटा दिया है. एक ही स्वाइप, एक वन स्वाइप एप्लीकेशन इसकी आप देख सकते हो, एक ही स्वाइप में कितने अच्छे से इसने मेरा मेकअप रिमूव कर दिया, आईज मेकअप. और अब मैं दूसरी आईज का भी क्लीन कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं बहुत बुरी दिखने वाली हूँ. अब मैं अपनी लिप्स का मेकअप रिमूव करूँगी, लिपस्टिक रिमूव करूँगी. ये मैंने मैट लिपस्टिक अप्लाई कर रखी है. तो अभी मेरा एक और मेरे पास ड्राई कॉटन पैड है, थोड़ी सी ही टाइनी क्वांटिटी में मेरे को चाहिए ये. मैंने इस पर ले लिया है. एक ही स्वाइप में अच्छे से इसने मेरी लिपस्टिक निकाल दिया है, यू कैन सी. यस. तो आपको पता चल गया होगा कि कितने अच्छे से वर्क करता है ये.
और ये एक अफोर्डेबल मेकअप रिमूवर है, आप इसे इजीली अफोर्ड कर सकते हो, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है ये, बिकॉज़ जैसे और बहुत से ब्रांड के मेकअप रिमूवर बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है और इट इज़ ऑल्सो ट्रेवल फ्रेंडली, इसमें कोई लीकेज का भी डर नहीं है, आप इसको अपनी कैरी बैग में ईजिली कैरी कर सकते हो। तो गाइज़ इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज गो ऑन नायका एंड यू कैन चेक देयर, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली गिव गिव अ बिग थम्स अप टू इट कि मुझे सपोर्ट मिले और आगे मैं और अच्छी वीडियोज़ लेके आपके लिए आती रहूँ, और डेफिनेटली कमेंट भी करिएगा और आप कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, उसके पास एक बेल बटन है आप उसे क्लिक करिए सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बी हैप्पी स्टे ब्लेस्ड बाय।